हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ लक्ष्य डिजिटल क्लास। एंड हियर टुडे वी आर गोइंग टू एंजॉय अ न्यू क्लास। एज यू नो द नेम ऑफ द लेसन इज प्रीपोजिशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, वह है प्रीपोजिशन। तो आइए इस क्लास में आज हम प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, किन किन परिस्थितियों में विभिन्न प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग एक के बाद एक उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इन वाक्यों को देखें, रीड दीज सेंटेंसेस। रवि यूजुअली गेट्स अप 7 o'clock। रवि यूजुअली गेट्स अप 7 o'clock। द ट्रेन विल लीव 5 minutes। आई हैव लिव्ड दिस सिटी 10 years। वी वॉच टीवी 7-8 p.m. It has been raining 10 a.m. My birthday falls 12 March. Let's wait it stops raining. My younger sister fell asleep the film. यदि आप इन वाक्यों से गुजरते हैं, इन वाक्यों में को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको बहुत कुछ अटपटा सा लग रहा है। ये क्या लिखा गया है, किसी चीज़ का ठिकाना नहीं है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं हर वाक्य में कोई बड़ी गलती है, कोई भारी यहाँ पर वाक्यों को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्या कारण है? तो कारण जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। टू नो द रीजन, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दीज सेंटेंसेस, दैट्स व्हाई दे लुक अनअप्रोप्रिएट, दे डोंट लुक एज दे शुड बी, जैसा होना चाहे वैसे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण है? तो टू नो द रीजन बिहाइंड दिस, वी शुड गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। अब इन वाक्यों को पढ़ें। रवि यूजुअली गेट्स अप एट 7 o'clock। रवि यूजुअली गेट्स अप एट 7 o'clock। देन द ट्रेन विल लीव इन 5 minutes। द ट्रेन विल लीव इन 5 minutes। आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 years। वी वॉच टीवी फ्रॉम 7 to 8 p.m. Then the next one is, it has been raining since 10 a.m. Then my birthday falls on March 12th. Seventh sentence is, let's wait until it stops raining. And the next one is, my younger sister fell asleep during the last film. Now if you are doing a comparison between the two, यदि इससे पहले के जो वाक्यों को मैं यदि दिखाऊं और इन वाक्यों को यदि मैं दिखाऊं, तो यहाँ पर एक चीज का फर्क दिखाई देता है, और वो फर्क है कि उन वाक्यों में प्रीपोजिशंस को हटा दिया गया था, प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल नहीं हुआ था, और यहाँ पर इन वाक्यों में प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किया गया है। एंड दीज सेंटेंसेस यू कैन सी दैट ऑल द प्रीपोजिशंस हैव बीन प्लेस्ड एट देयर राइट स्पॉट। उसके निश्चित जगह पर प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किया गया है। इस कारण से ये सभी वाक्य काफ़ी संतुलित दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सुसंगठित दिखाई दे रहे हैं। रवि यूजुअली गेट्स अप 8-7 o'clock। द ट्रेन विल लीव इन 5 minutes।
I have lived in the city for 10 years. I have lived in the city for 10 years. We watch TV from 7 to 8 p.m. It has been raining since 10 a.m. My birthday falls on March 12. Let's wait until it stops raining. Then my younger sister fell asleep during the film. What did I do here? मैंने यहाँ पर जो भी बात लिखी है जिन शब्दों के नीचे लाल रंग के स्याही से इंक से अंडरलाइंड किया गया है ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस है। इससे पहले वाले जो वाक्य लिखे गए थे उस पर मैंने प्रीपोजिशंस हटा दिया था और नतीजा आपने देखा कि बिना प्रीपोजिशंस के वाक्य बिल्कुल अधूरा सा लग रहा था। अब यहाँ पर सारे वाक्य काफ़ी संतुलित दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशंस की उपस्थिति के कारण हुआ। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज अ प्रीपोजिशन। जनरली द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, पूछा जाता है कि आफ्टर ऑल व्हाट इज अ प्रीपोजिशन। इफ वी गो थ्रू द वर्ड इट्सेल्फ, यदि हम सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन को देखें तो सारी बात सामने आ जाती है कि प्री प्लस पोजिशन, प्री प्लस पोजिशन। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब? इट मीन्स पोजिशन के पहले, पोजिशन के पहले। अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस टाइम डायरेक्शन इटीसी। अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस टाइम एंड डायरेक्शन एक्सेट्रा। यानी कि नाउन से पहले यदि हम समय को दिखाते, जगह को दिखाते हैं, समय को दिखाते हैं या फिर डायरेक्शन को दिखाते हैं, दिशा को दिखाते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। व्हाट इज, वंस अगेन लेट मी हाईलाइट द थिंग्स, एक बार मैं फिर से बता दूं, प्रीपोजिशन शब्द को ही यदि हम डिवाइड करते हैं तो वी कैन डिवाइड द वर्ड प्रीपोजिशन इनटू टू सेक्शन। व्हाट आर दे, टू सेगमेंट्स, व्हाट आर दे, नंबर वन दैट इज प्री एंड द सेकेंड वन इज पोजिशन। तो नाउन के पहले जो पोजिशन होता है वही प्रीपोजिशन है। और वो पोजिशन किससे बन सकता है? वो पोजिशन बन सकता है प्लेस से बन सकता है, वो पोजिशन टाइम से बन सकता है, वो पोजिशन डिरेक्शन से बन सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ एज यू वेंट थ्रू द फैक्ट, आप फैक्ट से गुजर चुके हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू नो द सेम विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एग्जांपल्स, कुछ उदाहरणों की मदद से इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लीव, ओके, नंबर वन आई लीव इन दिस रूम, आई लीव इन दिस रूम, मैं इस कमरे में रहता हूँ, आई लीव इन दिस रूम। देन दे आर स्टार्टिंग इन द मॉर्निंग, दे आर स्टार्टिंग इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह निकल रहे हैं, वे लोग सुबह निकल रहे हैं। देन द थर्ड वन इज यू आर गोइंग टू द पार्क, तुम पार्क जा रहे हो। नाउ इफ यू स्टडी ऑल दीज सेंटेंसेस यू विल फाइंड आउट दैट यहाँ पर जो इन है टू है, इन वाक्यों को देखने पर ये बात समझ में बिल्कुल आ जाता है कि प्रीपोजिशन क्या है। पोजिशन है किसका? नाउन का।
किस संदर्भ में, समय के संदर्भ में, जगह के संबंध में, मूवमेंट का संदर्भ में. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन दिस रूम. यह रूम के, रूम नाउन है, उसके पहले का ये जगह से संबंधित पोजिशन को दिखा रहा हूँ. देन कम टू नेक्स्ट वन, दे आर स्टार्टिंग इन द मॉर्निंग. दे आर स्टार्टिंग इन द मॉर्निंग, सुबह, सुबह के समय के संदर्भ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है. उसके बाद यू आर गोइंग टू द पार्क. यू आर गोइंग टू द पार्क, हियर इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दैट द एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो फिर से वही बात एक बार सामने आया कि प्रीपोजिशन समय को दिखाता है, दिशा को दिखाता है, समय को दिखाता है, दिशा को दिखाता है, जगह को दिखाता है, नाउन का पोजिशन दिखाता है. यस, सम मोर एग्जाम्पल, क्योंकि इस, यह जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, इसको हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना है. दैट्स वाई आई एम प्रेजेंटिंग सम मोर एग्जाम्पल्स. कुछ और उदाहरण देखते हैं. द कैट इज अंडर द टेबल. द कैट इज अंडर द टेबल. नंबर टू, he came here during Durga Puja. He came here during Durga Puja. Then the third one is we are going towards द रेलवे स्टेशन. हम लोग रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं. यू कैन सी वंस अगेन, एक बार फिर से आप देख सकते हैं इन दीज सेंटेंसेस अंडर पोजिशन ऑफ प्लेस, देन ड्यूरिंग पोजिशन ऑफ टाइम, देन टूवर्ड्स पोजिशन ऑफ और प्रीपोजिशन ऑफ डिरेक्शन. So according to these examples, it became clear that prepositions are used before a noun or pronoun to show place, time and direction. After all these, going through these examples, we are trying to divide the section of preposition, the chapter of preposition, with the help of this tree diagram. Preposition, location क्या है? पहले तो हम लोग इसको location के हिसाब से बांटते हैं, location के हिसाब से बांटते हैं और time के हिसाब से बांटते हैं. आप यहाँ पर इस tree diagram में देख रहे हैं कि हमने preposition को दो भागों में बांटा है. कितने भागों में बच्चों? दो भागों में. क्या क्या है वो? पहला लोकेशन है, दूसरा है टाइम. पुनः लोकेशन को हमने दो भागों में बांटा है, जगह के हिसाब से बांटा है और मूवमेंट के हिसाब से. फाइनली वी कैन से दैट प्रीपोजिशंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री चंक्स, इनटू थ्री सेगमेंट्स, एंड दे आर नंबर वन प्लेस, नंबर टू मूवमेंट, एंड नंबर थ्री टाइम. For example, the examples are already given there. वहाँ पर पहले से ही उत्तर दिया गया है, पहले से ही उत्तर दिया गया है. Place की अगर बात करें तो क्या है? The boy kept his books on the table. The boy kept his books on the table. ये किसे संबंधित है? प्लेस से संबंधित है. तो ऑन द टेबल, ऑन टेबल के ऊपर लड़के ने सारी किताबों को रखा.
ये था प्लेस से संबंध। उसके बाद मूवमेंट, यानी उसमें गति दिखाई दे रहा है। मूवमेंट, द बॉय इज कैरिंग हिज बुक्स टू द सेल्फ। द बॉय इज कैरिंग, द बॉय इज कैरिंग हिज बुक्स टू द सेल्फ, टू द शेल्फ, शेल्फ टू मूवमेंट। बच्चा किताबों को लेकर सेल्फ की ओर जा रहा रखने के लिए, यानी कि उसमें मूवमेंट है, गति है। कम टू एग्जाम्पल नंबर थ्री, दैट इज रिलेटेड टू टाइम। तीसरा जो हमारे पास उदाहरण दिखाई दे रहा है, द बॉय हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। द बॉय हैज बीन, द बॉय हैज बीन, द बॉय हैज बीन स्टडिंग, द बॉय हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। लड़का सुबह से पढ़ाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। हियर सिंस, सिंस इज प्रीपोजिशन एंड यू कैन सी दिस इज रिलेटेड टू टाइम, दिस इज रिलेटेड टू टाइम। यहाँ पर आपको प्लेस के बारे में बताया गया, मूवमेंट के बारे में बताया गया, टाइम के बारे में बताया गया। अब इसके बारे में हम लोग कुछ गहराई से जाने का प्रयास करते हैं, इसकी गहराई में जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट को समझे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फुल कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द थिंग रिगार्डिंग प्रीपोजिशन। एज आई कैन टेल यू, आई कैन इन्फॉर्म यू दैट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एरिया। डिफिकल्ट एरिया मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि क्या है, जब एक तरह उसी नाम का जब बहुत सारी चीज़ें जब एक जगह जमा होता, तो फिर धीरे धीरे उसमें भ्रम पैदा होने लगता है, इसमें भ्रम पैदा होने लगता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों को उसके बहुत करीब में जाकर देखना होगा। तो अभी तक हमने कितने तरह के प्रीपोजिशंस को जाना, हमने तीन तरह के प्रीपोजिशंस को जाना। कितने तरह का? तीन तरह का। क्या क्या है वो? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स। क्या क्या है बच्चों? तो बच्चे आप फिर से ध्यान से सुने, प्रीपोजिशन फिलहाल हमारे पास जो उपलब्ध है उसके अनुसार से तीन तरह के हैं, जो कि समय से संबंधित प्रीपोजिशन है, जगह से संबंधित प्रीपोजिशन है, और मूवमेंट से यानी गति से संबंधित प्रीपोजिशन है। समय से संबंधित प्रीपोजिशन क्या है? एट, इन, ऑन, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग एसेट्रा। व्हाट आर द प्रीपोजिशंस रिलेटेड टू टाइम? दे आर एट, इन, ऑन, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग एसेट्रा। देन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, व्हाट आर द प्रीपोजिशंस? दे आर रिलेटेड टू प्लेस। जगह से संबंधित प्रीपोजिशंस कौन कौन है? इन, ऑन, एट, अंडर, ऑन, ओवर, बिहाइंड, इन, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, बिटवीन, अबव, ये सारी चीजें आपके जगह से संबंधित है। फिर कौन से ऐसे प्रीपोजिशन है जो कि मूवमेंट से संबंधित है? व्हाट आर द प्रीपोजिशन? दे आर रिलेटेड टू मूवमेंट्स। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लेट मी टेल यू दैट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ द वर्ड्स दे आर रिलेटेड टू मूवमेंट्स। व्हाट आर दे? अक्रॉस, अक्रॉस, थ्रू, अलोंग, अराउंड, इनटू, आउट ऑफ, अबाउट, ऑफ, अप, डाउन, ओवर, अंडर, टूवर्ड्स। मीन्स देर इज अ गुड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स अंडर द बैनर ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के अंतर्गत या उसके नीचे बहुत सारे शब्द हैं। अब यहाँ एक बात जान लेना बेहद जरूरी है कि मैं यहाँ पर भी इन देखता हूँ, यहाँ पर भी इन देखता हूँ। बड़ा विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है कि मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ।
उसी तरह से मैं इन यहां भी देख रहा हूं, मैं एट यहां भी देख रहा हूं, यहां भी देख रहा हूं, क्या है मामला, क्या है चक्कर। तो बच्चों मैं बता देना चाहूंगा, जिस तरह से आप एक स्टूडेंट है, यदि आपका नाम अजय है तो आप अपने मम्मी के लाडले बेटे भी है, अपने सिस्टर के भाई भी है, यानी एक व्यक्ति कई तरह का रोल खेलता है। उसी तरह से एक शब्द भी उसके कई तरह के मायने होते हैं। इसलिए वही चीज़ आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी दिखाई देगा, प्लेस में भी दिखाई देगा, और कई बार मूवमेंट में भी। तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको जाना। अब हम लोग इसको फिर से एक बार देख ले, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में क्या है, एट है, इन है, ऑन है, फ्रॉम है, टू है, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग एसेट्रा। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या है, इन है, ऑन है, एट, अंडर, ऑन, ओवर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, बिटवीन, अबव। फिर प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में क्या है, अक्रॉस, थ्रू, अलोंग, अराउंड, इनटू, आउट ऑफ, अबाउट, ऑफ, अप, डाउन, ओवर, अंडर, टुवर्ड्स एक्सेट्रा। नाउ अब हम लोग एक काम करते हैं। काम क्या है, मैं आपको खिचड़ी बनाकर देता हूं। खिचड़ी क्या चीज का है, खिचड़ी आप जान गए होंगे, जो कि अक्सर शनिवार को खाया जाता है, दाल चावल को एक साथ उबालकर मसाला डालकर खाया जाता है, खिचड़ी एक साथ। यहां पर भी मैंने खिचड़ी बना दिया आपके लिए। अब आपको क्या करना है, नाउ सेपरेट द फ्लोइंग प्रीपोजिशंस इन देयर एप्रोप्रिएट प्लेसेस। अब यहां पर जो प्रीपोजिशंस है आपको अलग अलग करके दिखाना है, अर्थात कौन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, कौन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, और कौन प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, इसको आपको करके दिखाना है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग तीन खंड बना लेते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, तीन खंड बना लेते हैं, और एक काम और करते हैं कि ऊपर में नाम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, नाम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ये आपने देख लिया, हमने टाइम, प्लेस और मूवमेंट के हिसाब से तीन खंड बना दिया। वी मेड थ्री डिजिट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। नाउ यू कैन लुक बिहाइंड, बिहाइंड पीछे, इसको हम लोग यहां पर रखेंगे प्लेस में, बिहाइंड। फिर सिंस, ये टाइम से संबंधित है। फिर फोर्थ जो है टाइम से संबंधित है। उसके बाद आउट ऑफ, ये किससे है, ये मूवमेंट से भी संबंधित है, और देखा जाए तो प्लेस से भी संबंधित है, आउट ऑफ। फिर इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ प्लेस से संबंधित है, इन फ्रंट ऑफ प्लेस से संबंधित है। थ्रू जो है मूवमेंट से संबंधित है, होकर, देन, इन, ये समय से भी संबंधित है, जगह से भी संबंधित है। बिसाइड प्लेस, बिसाइड प्लेस, अप प्लेस, डाउन प्लेस, अमोंग प्लेस, अमोंग प्लेस, एट प्लेस और टाइम, एट प्लेस और टाइम, अक्रॉस, इन मूवमेंट, इन मूवमेंट, फ्रॉम टाइम, बिफोर टाइम, बिफोर टाइम, अंटिल टाइम, अंटिल टाइम, देन बिटवीन प्लेस, बिटवीन प्लेस, आफ्टर दैट ड्यूरिंग टाइम, ड्यूरिंग टाइम, आफ्टर टाइम, आफ्टर टाइम, अंडर अंडर प्लेस, अराउंड अ मूवमेंट, अराउंड इनटू। सो वी हैव, वी मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ द पोजिशंस, एंड देन यू विल फाइंड आउट, और आप देखेंगे कि किस ढंग से, कितनी आसानी से हम सवालों को हल कर पा रहे हैं। हम लोग
आगे बढ़ते हैं और अब कुछ प्रीपोजिशंस को जानने का प्रयास करते हैं, सामने से देखने का प्रयास करते हैं। ओके, जो आपके अभी समय आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें हाईलाइट किया गया है किसको, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, वी केम टू नो दैट प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम हैव बीन हाईलाइटेड अलॉट। ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया है, ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए फिलहाल हम लोग उसको देखते हैं, फिर समय मिलने पर हम दूसरे एरिया को भी टच करेंगे। सबसे पहले लेते हैं इन और ओन को। इन और ओन को समय की अगर बात करें तो इन इज यूज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन इज यूज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वेयर एज ओन इज यूज फॉर स्पेशली डे और डेयर्स और अ पर्टिकुलर टाइम, अ वेरी पॉइंटेड टाइम। इनका उदाहरण हम लोग लंबे समय के लिए लेते हैं, लंबे अंतराल के लिए लेते हैं, जबकि ओन का प्रयोग दिन, तिथि या कम समय के लिए लेते हैं। एक दो उदाहरण के माध्यम से हम लोग इन और ओन को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, इन ही वाज बॉर्न इन 1974, उसका जन्म 1974 ईस्वी में हुआ था। द प्यून ज्वाइंड द प्यून